बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स पे आ जाए हैं भाई लोगों बिल्कुल 110 परसेंट लाइव बिल्कुल इतना लाइव कि क्या कहें तो भाई और बहनों आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली लाइव और आज आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप ऑनलाइन नहीं बैठे हो आज आप अपने स्कूल में बैठे हो या अपने पड़ोस वाली कोचिंग सेंटर पर बैठे हो बस एक थोड़ी सी कमी आएगी वो कमी ये रहेगी कि बस कोचिंग पे बैठकर जो पड़ोस में ताड़ने वाला काम है ना वो ताड़ने वाला काम यहाँ पॉसिबल नहीं है इसके अलावा सारी की सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है तो चलिए भाई लोगों फटाफट से आ जाइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर टुडे सेशन फॉर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट और जितने भी भाई बहन है वो अपने अपने मित्रों को जरूर बुला ले ताकि यहाँ पर भी तुम थोड़ा ताड़ा ताड़ी नहीं तो मैसेज वैसेज करके थोड़ा सा संतुष्टि पा सको ठीक है तो जल्दी से आ जाइए फिर अपन शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन जल्दी आओ भाई जल्दी आओ फटाफट हाँ जी गेमर्स जी निधि जी फटाफट आ जाओ कम फास्ट स्टार्ट जल्दी आ जाइए काफी मजे आने वाले हैं आज के लेसन के अंदर क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत देता है टॉपिक बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है आपको नहीं सभी को इस दिक्कत काफी देता है तो आज इन सारी दिक्कतों को खत्म करेंगे अपन फाइनली और वापिस पढ़ना शुरू करेंगे मतलब मजे आने वाला है आज की क्लास में चलिए बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है आपको नहीं सभी ठीक है तो चलिए भाई लोगों लचक सारे तक सेशन फॉर द कॉम्पोनेट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट हाँ जी भाई लोगों हेलो 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 एवरीवन 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 लेट हाँ यार दो पांच मिनट लेट हो गया दो से पांच मिनट लेट हो गया उसमें कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी ठीक है ना अब अपन कोचिंग जाते हैं तो टीचर पंद्रह जल्दी चला जाता है अब यहाँ पे दो पांच मिनट लेट तो एक्सेप्टेबल है ना लाइव है हमें भी खाना पीना खाना होता है पचाना होता है सारे काम करने होते हैं हाँ जी जय माता दी ओके चलिए तो शुरू करें भाई लोगों अपने मित्रों को बुलाओ यार मित्र कहा है तुम लोगों के वेर आर यूर फ्रेंड्स कमन यू वन वेर आर यू फ्रेंड्स शाबाश ओके थैंक यू सो मच भाई मैं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ ओके थैंक यू सो मच गाइस ओके हाँ जी तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मैं दे देता हूं कल मतलब आज अकाउंट्स का था ना वहां से यह सवाल चढ़ता हो सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या तो हम फरवरी में बात करेंगे इस बारे में ठीक है तो फरवरी तक पिंग लगा के रखना तमाम तो जा रहे सारी जानकारी ले रहे हैं चलो तो शुरू करते हैं भाई लोगों हमारा आज का टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि सर क्या अब पेड़ आएगी नहीं पेड़ नहीं है बेटा कंप्लीटली फ्री है और जैसा आता है उसी प्रकार से फ्री है इसमें कोई दिक्कत नहीं ब्रह्मा सीरीज जो हमारी चल रही थी उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और के साथ मिलकर इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रही है। और क्लास 11 के जितने भालक भालक रहे करो फटाफट से एक का समय लेता हूं। भाई इस लिंक को अपने सारे मित्रों के पास जितने भी तुम्हारे है ना, छोरा छोरी पड़ोसी सबके साथ फटाफट से जाके शेयर करो अभी के अभी शेयरिंग होनी चाहिए डबल स्क्रीन खोल के शेयर करो जल्दी से जल्दी शेयर करो और वापिस आओ जल्दी जब तक तो मैं पानी पी लेता हूं आपकी बार तो पानी एक बार हम पी के निपटाएंगे हाँ जी हाँ जी और कुछ कॉमर्स वाले बिगड़ गए सारे चलो तो शुरू करें फ्रेंड कर दिया सारे के सारे आने चाहे ज्यादा ही चलेगा वहां पे सेंड करके वापस भी आना है जाके वही रुक जाना है चलो सो भाई और बहनों चलिए शुरू करते आई होप सो सभी ने सेंड कर दिया होगा और सारे के सारे अब यहाँ आने वाले होंगे एक हजार लाइक हम सेशन के एंड होते होते करने अपने हो कितने एक हजार लाइक से ऊपर जाना है अपने को इस सेशन के एंड होने से पहले तो फटाफट से लाइक कर दो और चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को ले तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट अच्छा दिल पे हाथ रख के बताओ कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से पहले गवर्नमेंट बजट क्या होता है इस बारे में किस किस को पता है हु नोज गवर्नमेंट बजट किस किस को पता है गवर्नमेंट बजट होता क्या है और किस किस को एक्चुअल मतलब पता है बोलो पता है तो हाँ बोलो नहीं पता तो ना बोलो मैं बताऊंगा क्या होता है जल्दी बोलो जल्दी 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 जल्दी, 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 जल्दी आज रिवेलुएशन भी आएगा शाम को साढ़े छह बजे अकाउंट्स के अंदर ध्यान रखना इस बात को नहीं पता देखो मैं बता देता हूं एक बार मैं बता रहा हूं ध्यान रखना भूल मत जाना लाइव बता रहा हूं देखो फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं था तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट बजट कुछ नहीं है एक पोतरी पत्थर है पोतरी पत्थर सबको पता ना क्या होता है इज फेमिलियर विद द पोतली पत्थर मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं सब्र रखना या दिस इज सॉर्ट ऑफ बुक ये हमारी पुस्तक देखो टैलेंट देखो क्या शानदार बना लाइक करो सारे के सारे इस बात पे ठीक है तो गवर्नमेंट बजट क्या है गवर्नमेंट बजट एक पोतली पत्थर है एक बुक है जिसके अंदर क्या होता है बेटा छोटा नहीं होता ना काफी बड़ा होता है किताब बन जाती पूरी एक तरीके से जिसके अंदर तीन चीजें होती है तीन चीज क्या है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या तीन चीज होती है बेटा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों चीजों के नाम मेरे साथ लेंगे क्या क्या होता है बेटा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये तीनों चीजें गवर्नमेंट बजट के अंदर होती है सारे के सारे अभी आए नहीं है लिंक शेयर करके वापस भी आना है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यानी कि गवर्नमेंट बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर यह बताया जाता है कि पिछले साल क्या किया था प्रीवियस ईयर आपने क्या किया था करंट ईयर आप क्या करने वाले हो और आने वाले अपकमिंग ईयर उससे क्या होने वाला है

इस साल सरकार क्या करने वाली है और आने वाले साल में सरकार के क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसके बारे में बताया जाता है ठीक है क्लियर है बेटा इन सबको तो अब हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट बजट है इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसी कैसी चीजें यहां पर अवेलेबल होती हैं अच्छा इस सेशन के लास्ट में जैसे ही हजार लाइक हो जाएंगे मैं एक पेज निकालूंगा उस पेज के ऊपर हम अपना टुकड़ा स्ट्रेटेजी करेंगे क्या करेंगे बेटा टुकड़ा स्ट्रेटेजी टुकड़ा स्ट्रेटेजी मैंने आप सभी को बताया था किस किस को याद है टुकड़ा स्ट्रेटेजी क्या थी बोलो किस किस को याद है टुकड़ा आई वन द आंसर किस किस को याद है टुकड़ा स्ट्रेटेजी क्या थी टुकड़ा स्ट्रेटेजी ये थी कि हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज छोटी छोटी चीजें जो है एक कागज के अंदर लिख लेंगे ताकि हम वापस रिवाइज करते समय उसमें बहुत मस्त तरीके से काम हो जाए जिसको याद नहीं कल वाली वीडियो जरूर जाके देखें उसके अंदर पूरा बताया हुआ है ठीक है चलो तो बात करते हैं हमारी टुकड़ा स्ट्रेटेजी इस वीडियो के एंड में तो एंड तक जरूर रुकना नहीं रोके तो रेपट खा जाओगे चलो आ जाओ आ जाओ तो हम बात करें कंपोनेट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट और इफ यू वॉन्ट टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ इज दबेडमीर कोड हमारा कोड है गौरव जी आप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बट इसका मतलब यह नहीं कि फ्री में कुछ नहीं आएगा सब कुछ YouTube पे फ्री है फॉर सम एडवांस यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन आ जाओ तो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की गवर्नमेंट बजट जो होता है बेटा उसके अंदर दो तरीके की चीजें आती है कितने तरीके की चीजें आती है बेटा दो तरीके की भाभी बोलो कितने तरीके की आती है दो तरीके की मैं पहले एक चार्ट बनाता हूँ चार्ट से आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा गवर्नमेंट का जो सरकार का बजट होता है ये मान लो ये हमारा बजट है इसके अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं एक होती है सरकार की रिसिप्ट और एक होती है सरकार के एक्सपेंडिचर अच्छा ये बताओ किस किस को कंफ्यूजन है कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है किस किस को कंफ्यूजन है कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है मेरे से कम से कम पांच हजार लोग ये पूछ चुके सर रिसिप्ट का मतलब क्या होता है हा भाई क्या होता है रिसिप्ट का मतलब जवाब जानना चाहता हूं मैं क्या होता है रिसिप्ट का मतलब एवरी यश बेटा नोट्स मिलेंगे क्लास के एंड में नोट्स की रिक्वायरमेंट के लिए क्लास एंड तक आना पड़ेगा हां जी रिसिप्ट का मतलब क्या होता है इधर देखो रिसिप्ट का मतलब होता है सरकार को जो पैसा मिला टुकड़ा स्टडी शुरू हो चुकी है मिला रिसिप्ट का मतलब सरकार को जो पैसा मिला यहां बनाते जाना मेरे साथ टुकड़ा चल रहा है अपना एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने कौन कौन सा खर्चा किया लिख लो इसके साथ साथ बहुत काम की चीजें बहुत काम की चीजें मजा आ जाएंगे इस क्लास के बाद देखो रिसिप्ट मतलब सरकार को क्या क्या मिला और एक्सपेंडिचर मतलब सरकार ने कहा का खर्चा किया रिसिप्ट दो प्रकार की होती है कौन कौन सी बेटा नाम बताओगे रिसिप्ट दो प्रकार की होती है कोई नाम बताएगा बेटा कौन कौन सी होती है उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के होते हैं हाँ जी नाम बताना है किसी को जल्दी बोलो कौन सी होती रिसिप्ट नाम बताओ ओके इधर देखो शाबाश बहुत बढ़िया अरे क्या बात है छह सौ लाइक हो चुके हैं आगे बढ़ो हाँ जी रिसिप्ट को दो प्रकार की होती है एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी है कैपिटल रिसिप्ट उसी प्रकार से जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं कौन कौन सा प्रकार है एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एवरी वन क्लियर से या सर नो एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है बेटा सबको बोलो हाँ या ना क्लियर है ना अब चलो टुकड़ा स्ट्रेटजी को आगे प्रोसीड करते हैं इसी में टुकड़ा स्ट्रेटजी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है खर्चे के अंदर और के अंदर ये जो आता है तो कोई बताएगा बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को सर क्या लिख सकते बेटा क्या लिख सकते हैं कोई बताएगा शॉर्ट के अंदर टुकड़ा स्ट्रेटेजी में क्या लिख सकते हैं एनी शॉर्ट में जल्दी बोलो कोई बताना है चलो मैं बताऊं इसको दिख रहा है सबको रोज की कमाई क्या लिखोगे बेटा मेरे साथ लिखो सारे के सारे क्या लिखोगे रोज की कमाई सरकार की जो रोज की कमाई होती है उसको हम लिखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब कभी कभी लिख लो इसको फटाफट पड़ लिख लो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब रोज की कमाई कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कभी कभी की कमाई समझ में आ रही है चीजें क्लियर है ना टुकड़ा स्ट्रेटेजी अच्छी काम कर रही है आगे देखो अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या लिख सकते हो अब तो तुम बता दोगे अब तो लिख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या लिखेंगे बोलो जल्दी वॉट विल राइट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एवरीवन शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रोज का खर्चा रोज का खर्चा और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या लिखोगे बेटा मोटा खर्चा क्या लिखोगे मोटा और कभी कभी का खर्चा क्या लिखोगे बेटा मोटा और कभी कभी का खर्चा इसको लिख लेना बड़ा काम आएगा मोटा और कभी कभी दो चीजें मैंने बोली इसमें मोटा खर्चा और कभी कभी का खर्चा मोटा खर्चा मतलब बड़ा अमाउंट बल्क अमाउंट पेमेंट होता है और कभी कभी का खर्चा मतलब कभी रेगुलर बेसिस पे बल्क अमाउंट की पेमेंट नहीं चलती है समझ में आ गया बेटा क्लियर है एवरी वन क्लियर है से yes no, बहुत बढ़िया ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर आगे बढ़ा जाए शाबाश मोटा भाई हाँ जी चलो मोटा भाई आ जाओ इधर ठीक है तो मोटा भाई आगे देखो मिटा दो इसको पूरे को मिटा दिया जाए आगे देखो हाँ जी आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में ठीक है अब बात कर रहे हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में ये तो तुम समझ गए दो रिसिप्ट मैंने इसलिए यहीं पे नहीं वहां पे आपको समझाया क्योंकि लिख के समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा और पढ़ा पढ़ाया समझाऊंगा तो मजा नहीं आएगा सर जितना मोटा खर्चा हाँ जी शाबाश रोज का खर्चा आ जाओ वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा वॉइस नॉट क्लियर क्या मजाक कर रहा है क्या यार बे, बिल्कुल महंगा इतना शानदार माइक लगाया है लाखों रुपए खर्चोगे तेरे को वॉइस नहीं आ रही <laughs> मजे ले रहा है तू भी आ जाओ आ जाओ रिमान चलो आगे समझो तो यहां पर अब हम बात करते हैं बजट रिसिप्ट के अंदर इन दोनों के बारे में थोड़ी सी डिटेल करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है।, है देखो बुल्ला लोगों चलो इधर देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में पहला पॉइंट कर रहे हैं हम इस वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं किसके बारे में रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं क्या लिखा था बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट को अपन ने शॉर्ट में क्या लिखा था रेवेन्यू रिसिप्ट को शॉर्ट में जल्दी बोलो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या था जल्दी बोलो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या था बिल्कुल बढ़िया रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है तुम्हारा कभी कभी का ओ रेगुलर खर्चा जो लगातार खर्चा होता रहता है देखो रेगुलर कमाई सरकार की कमाई तुम्हारा ही उड़ाई तुम्हारा खर्चा तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आगे प्रोसीड करेंगे इट रेफर्स टू द रिसिप्ट विच नाइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट लिखना इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है दो चीजें मैंने यहां पर बोली है क्या बोली दो चीजें मैंने यहां पर बोली है क्या बोला सुन, विच नाइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी जो कि लाइबिलिटी नहीं बनाती है वापस लिखो क्या जो कि लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा क्या होता है लाइबिलिटी का मतलब बता जल्दी बता लाइबिलिटी का मतलब क्या होता बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश क्या बात है लाइबिलिटी का मतलब ओके हाँ इलेवेंथ क्लास बिल्कुल बेटा इलेवेंथ क्लास का भी शुरू हो रहा है बड़ी जल्दी शुरू हो रहा है टेंशन मतलब हाँ जी तो लाइबिलिटी का मतलब होता है कि मुझे चुकाना है रेस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ठीक है तो पैसा आ भी जाए और चुकाना भी ना पड़े वो वाले को कहते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट पैसा आ रहा है और चुकाना नहीं पड़ेगा वापस तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऐसा नहीं हुआ कि पैसा आ रहा है कुछ बेच के आ रहा है ठीक है पैसा आ रहा है चुकाना नहीं पड़ेगा और कुछ बेच के पैसा नहीं आ रहा है फ्री फंड में पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट अब इंपॉर्टेंट चीज या नोट डाउन करें दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर क्या बोला मैंने लिखना इसको कागज पे क्या दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर दो चीजें बोली मैंने एक तो है रेगुलर दूसरी है रेकरिंग रेकरिंग रेगुलर एंड लगातार 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 और बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार आने वाली क्या है रिसिप्ट है गवर्नमेंट रिसीव देम इन इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन सरकार जो है इस रिसिप्ट को अपने डे टू डे खर्चे के डे टू डे काम के अंदर पा जाती है सरकार क्या करती है डे टू डे काम के अंदर पा जाते हैं क्लियर हो गया आसान है आगे देखो अब हम बात करते हैं कितने प्रकार की होती है तो सबसे पहले इसके अंदर दो प्रकार होती है एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं बेटा एक होता है आपका टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू कोई पूछेगा बेटा रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है पहले इधर देख लो सारे के सारे इधर देखेंगे सर सरकार ने जो कमाई करी दो प्रकार की कमाई होती है सरकार की अगर हम रेगुलर रेकरिंग के बारे में बात करें एक होता है टैक्स के थ्रू एक होता है नॉन टैक्स के थ्रू टैक्स सबको पता है क्या होता है से टैक्स सबको पता है क्या होता है बोलो एवरीबडीज कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स व्हाट इज टैक्स एवरीबडी विद इतना से नो ओके तो टैक्स रेवेन्यू का मतलब सरकार ने जो टैक्स से पैसा कमाया उसको हम कहते हैं टैक्स रेवेन्यू टैक्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं बेटा दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं एक होता है डायरेक्ट टैक्स दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो कि डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है वापस सुनना मेरी बात को डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स जो कि आपसे लिया जा रहा है आपसे लिए जाने का मतलब है कि यू आर द अल्टीमेट प्रोवाइडर ऑफ टैक्स कि आप जमा कराओगे सरकार को आप किसी और को नहीं दोगे आप डायरेक्टली किसको जमा करा रहे हो सरकार को जमा करा रही हो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स पहले इधर मेरी बात को सुने हाँ जी ओके तो दो प्रकार के पहले सवाल आ रहे हैं मैं उनको क्लियर कर देता हूं सबसे पहला सवाल है बेटा सबसे पहला सवाल कि सर लोगो लोगो बेटा वापस चेंज हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट ठीक है ना और जो ब्रह्मात्र सीरीज है ये उसी का एक्सटेंशन है ब्रह्मा सीरीज ही चल रही है आप लोगों की तो उसी का आगे प्रोसीडिंग हम करने जा रहे हैं उसी के अंदर हमने बजट तक पढ़ लिया था तो अब हम आगे पढ़ रहे ठीक है ना तो दिमाग में से कचरा बाहर निकालो आ जाओ इधर देखो अब अच्छा जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें पढ़ना है नहीं है बाकी सबको पढ़ना है तो डायरेक्ट टैक्स आप सभी समझते हैं एग्जाम्पल मैंने दे दिया है इनकम टैक्स हो गया कॉर्पोरेट टैक्स हो गया वेल्थ well टैक्स हो गया ये वो टैक्स हैं हैं जो कि से ली जाते कि डायरेक्ट आप जाते सरकार को जाके जमा कराओ इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है बच्चा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि वो टैक्स जो कि जमा तो आप करा रहे हो मतलब लिया आपकी जेब से जा रहा है पर सीधा आप सरकार को नहीं दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपने लेटर uh, सपोज ये पैनल खरीदा ठीक है ये सेटअप खरीदा दस लाख रुपए लगे अब ये दस लाख रुपए मैंने सरकार को जमा नहीं कराए ये दस लाख रुपए मैंने किसको जमा कराए उस सेलर को जिसने मुझे ये पैनल बेचा है जिसने मुझे ये स्टूडियो बेचा है तो जिसने मुझे ये स्टूडियो बेचा है उसको मैंने क्या करा दस लाख रुपए दिए अब उस दस लाख में से अगर अट्ठारह परसेंट टैक्स है तो एक लाख अस्सी हजार रुपये वो ले जाके कहा जमा कराएगा किसको जमा कराएगा बोलो भाई बोलो किसको जमा कराएगा बहुत बढ़िया वो किसको जमा कराएगा वो सरकार को जमा कराएगा तो ये क्या हो गया इनडायरेक्ट मतलब टैक्स मैंने ही दिया है पर मैं सरकार को जमा नहीं करा रहा हूं ये टैक्स का अमाउंट कोई और सरकार को जमा करा रहा है क्लियर है मुन्ना बोल हां जोर से बोलो जोर से बोल लो जोर से बोलो जोर से बोल लो जय माता दी ओके शाबाश बहुत बढ़िया ओके राजकूल ओके प्रोसीड फर्दर आगे समझो हाँ जी शाबाश आगे समझो तो लेट्स प्रोसीड फर्दर अब टैक्स तो हो गया अब टैक्स के अलावा सरकार जो पैसा आती है वो आता है आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब सरकार के डे टू डे इनकम भी है रोज का सा सरकार पैसा भी कमा रही है पर फिर भी वो टैक्स के रूप में नहीं कमा रही है कौन कौन से होते हैं देखो यहां पर नाम लिखे हुए सारे के सारे नामों को अपन एक एक करके देखेंगे कौन कौन से नाम होते हैं और कैसे आगे प्रोसीडिंग करते हैं तो सरकार का जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है मतलब जिससे सरकार पैसा कमा रही है पर टैक्स के नाम से नहीं कमा रही कमा तो रही है टैक्स के नाम से नहीं कमा रही रेवेन्यू का मतलब क्या है चुकाना नहीं है किसी को किसी को भी नहीं चुकाना है पैसा लो और भूल जाओ देखो नाम देखो यहां पर बहुत बढ़िया पहला ब्याज सरकार ने किसी में पैसा लगाया वहां से ब्याज आया सरकार ने किसी कंपनी में पैसा डाला उससे प्रॉफिट हुआ डिविडेंड मिला आपने सरकारी फॉर्म भरा सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेगा ना जो भी आप बकवास कर रहा है ना वो सारे सरकारी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरने वाले हैं सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है या सरकारी नौकरी की उम्मीद में बैठे हुए हैं एक बात ध्यान रखना सारे के सारे जितने भी अभी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या लाइव के बाद देखेंगे बेटा एक चीज ध्यान रखो आज अगर आप यहां बैठे हो यहां बैठने के बाद लाइव वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि भारत में जितने बच्चे हैं उनके 10 परसेंट बच्चों में से आप हो जो कि बहुत ज्यादा लकी हैं। क्या है 10 परसेंट बच्चों में से आप हो जो कि बहुत ज्यादा लकी हैं। आप लोगों ने उन बड़े बड़े लोगों की कहानियां तो सुनी होंगी ना महेंद्र सिंह धोनी हो गया का गांव से आए भाई रांची के एक छोट रांची से आए रांची से आकर यहाँ आके, क्या कहते हैं तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है अच्छा वो नाम तो आपने सुन लिया बड़ी खुशी हुई सुन पर के पर क्या आपने कभी वो नाम सुने जो कि वो नहीं कर पाए वहीं उसी के शहर में उसी के स्कूल के अंदर हजारों बच्चे और अवेलेबल थे जिनकी लाइफ पता नहीं आज कहाँ है हम एक एग्जाम्पल देख के खुश तो बड़े हो जाते हैं पर यह जरूर ध्यान रखें बेटा कि हजार में से नौ सौ निन्यानवे फेल भी होते हैं तो तुम्हें तुम खुद देख लो तुम्हें नौ सौ निन्यानवे बनना है या तुम्हें एक बनना है ठीक है यहां कमेंट कर लोगे ना कुछ नहीं होगा ठीक है कुछ नहीं होगा अच्छा यहां पढ़ाई करो मस्त रहो शानदार रहो बड़ी बहुत बढ़िया काम होगा एक चीज ध्यान रखना कि अगर कुछ करना है तो वो करना पड़ेगा जो कि किसी और ने नहीं किया वो करना पड़ेगा जो कि किसी और ने नहीं किया एग्जाम्पल दे देता हूं बहुत बढ़िया तो मैं समझ में आ जाएगा एक बार में समझ में आ जाएगा देखो मजे आ जाएंगे क्या कभी दुनिया में किसी भी व्यक्ति ने एक लाख करोड़ रुपए फ्री फंड में लगा दिए क्या बिना एक भी पैसा लिए बिना एक भी पैसा लिए किसी व्यक्ति ने एक लाख करोड़ रुपए ठोक दिए क्या है, कि उसको यह भी नहीं पता था कि वो पैसा आएगा या नहीं आएगा कोई नहीं था आज से पांच साल सात साल पहले जाओगे तो कोई नहीं था क्या दुनिया में किसी ने पहले ऐसा किया था कि पूरी जनता को अपना प्रोडक्ट बेच दिया और जनता से एक सिंगल पैसा भी नहीं लिया किसी ने किया था क्या ऐसा बोलो किसी ने किया था किया है उस व्यक्ति ने किया है जिसने यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखी उस व्यक्ति ने किया है जिसने लोगों के रहने सहने का उनके आलस का काम देखा और उस व्यक्ति का नाम है मुकेश धीरूभा अंबानी उन्होंने एक ऐसा काम किया जैसा इस दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया था और इसलिए पूरे भारत देश में आज वो इकलौते हैं आज वो इकलौते हैं तो आपको वो नहीं करना है जिससे वो जो सब कर रहे हैं वो करना है जो कि कोई नहीं कर रहा उसी से काम बनेगा आप कहते हो तो भाई सर वो चार घंटे फेसबुक चलाता है छह घंटे इंस्टाग्राम चलाता है दो बंदियों को च... के साथ है मतलब सारे शौक कर रहा है सर मैं क्यों ना करूं तू इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब तू तीस साल का होगा वो कहां है और तू कहां है इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आज देख ले तो जिंदगी भर खुश रहेगा जब मैं अठारह साल का था ना मैं पागल था पागल मेरे को कहते थे बेवकूफ़ आदमी है क्यों है बेवकूफ आदमी बोले आयाशी करने का टाइम 18 से 20 साल इक्कीस साल करने का टाइम होता है सबके हो मतलब सब साथ घूम फिर क्या कर रहा है तू मैं क्या करता था मैं बेवकूफ आदमी खड़ा होकर स्क्रीन के सामने बड़बड़ाता रहता था आज वही व्यक्ति है जो ये बोलते भाई तू सही निकल गया क्यों आज वो बंदा जितने रुपए महीने की नौकरी करने की इच्छा कर रहा है ये नहीं कर रहा ये नहीं कह रहा कर रहा है मतलब उसकी इच्छा है कि ये नौकरी मिल जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी उससे दो गुना ज्यादा का मैं पर महीने अपनी जगह का रेंट देता हूं फ्री फंड में भली मैं उस जगह पर बैठू या ना बैठू ये फर्क होता है आपके उस समय का जो समय या तो आप बर्बाद कर दोगे या यूज कर लोगे चार घंटे इंस्टा कला लोगे तो भी शाम को चार से आठ बज जाएगी चार घंटे अपनी स्किल सुधार लोगे तो भी शाम को चार से आठ बज जाएगी अब फर्क ये आपके ऊपर है कि आप इंस्टा चला के वो समय खराब कर देते हो या फिर चार घंटे यहाँ खराब कर देते हो ठीक है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो बेटा बाकी चीजें तो मार्केट में चलती रहेंगी हम वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ठीक है तो वो कॉन्सेप्ट कहता है कि सरकार बिना टैक्स लिए कैसे पैसा कमाती है डे टू डे अपन ने तीन चीजें देख ली थी इसके अलावा आपको अगर जानना है देखो प्रैक्टिकल अपना इकोनॉमिक्स का खेल है क्या इकोनॉमिक्स में हर चीज प्रैक्टिकल है क्या है हर चीज मेरे सामने बोलो क्या चीज है हर पर्टिकुलर चीज इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल है तो कैसे प्रैक्टिकल है अगर आपको जानना है कि सरकार बिना टैक्स लिए कैसे डे टू डे रेवेन्यू कमाती है तो एक छोटा सा काम कर लेना बताऊं क्या बिना हेलमेट के पूरे शहर में घूम लेना बिना हेलमेट के पूरे शहर में घूम लेना यह चौथा पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा लाइफ टाइम याद रहेगा कोई नहीं बुला सकता कोई नहीं बुला सकता समझ में आ गया तो यह कहलाता है आपका फाइन एंड पेनल्टी समझ में आ गया आगे देखो आगे तुम्हारा इस शीट्स। इस शीट्स का मतलब क्या होता है मान लो फॉर एग्जांपल है कि इकलौता व्यक्ति है जिंदगी जी सब सारे पैसे वैसे कमाए और निबट गया अब निबटने के बाद क्या होता है उसकी जो प्रॉपर्टी है ये देखा जाता है कि उसका कोई रिश्तेदार है क्या अगर उसका कोई रिश्तेदार मिलता है अवेलेबल होता है तो अच्छी बात है नहीं होता तो यह देखा जाता है कि क्या उसकी कोई वसीयत है क्या विल है क्या अगर कोई वसीयत मिलती है तो अच्छी बात है पर अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं मिली ना मिला रिश्तेदार ना मिली वसीयत तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है बेटा सरकार की किसकी जाती है सरकार की तो वो कंडीशन को कहते हैं हम hey, एस समझ गए तो ये सरकार की रेवेन्यू क्योंकि कोई आएगा नहीं वापस मांगने ठीक है एक नोटिस निकाला जाता है कि भाई दो चार महीने के अंदर अगर कोई मिल जाता तो अच्छी बात है वरना चली जाती है ठीक है मेरी इनकम कितनी है तू सोच ले छोड़ आ जाओ आगे बात करते हैं हम गिफ्ट एंड ग्रांट्स कि सरकार को गिफ्ट मिल रही है कोई ग्रांट मिल रही है कि भाई फलाना उड़ीसा में जो है फ्लड आ गया तो यूएई का कोई शेख है वो जाके पैसे दे रहा तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं फोर फीचर आप सभी जानते हैं अकाउंट्स वाले विद्यार्थी हैं ठीक है स्पेशल असेसमेंट इसके अंदर वो चीज आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं रेलवे स्टेशन पर ठेला लगा रहा हूं तो मैं अपनी इच्छा से लगा नहीं सकता ना रेलवे स्टेशन का ठेला तो बेसिकली उसके लिए मुझे पैसे देने पड़ते टेंडर बनना पड़ता तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती है समझ में आ गया एक चीज समझ गए ना सारे के सारे

अगर इन दोनों में से कोई एक चीज मिल जाती है तो ठीक है मेरी प्रॉपर्टी उसके हिसाब से चली जाएगी पर अगर इन दोनों में से कुछ नहीं मिलता तो मेरी प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती है उसको हम बोलते हैं सरकार की यह समझ में आ गया क्लियर है फोर फीचर बताओ सर फोर फीचर का मतलब बेटा इधर देखो फोर फीचर का मतलब क्या होता है कि सरकार का कोई वो शेयर है जो कि फोर फीचर तुम जानते हो ना अकाउंट्स के अंदर तो तुमने सबने पढ़ा हुआ है फोर फीचर कोई शेयर्स है जिनका आधा पैसा दिया बाकी पैसा वो शेयर होल्डर नहीं दे पाया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है पैसा चला जाता है चेयर भी बंद हो जाता है और काम भी खराब हो जाता है आगे समझो आगे देखें आगे देखो यहां पर आगे अगर, अगर अपन बात करें तो ये तो होगा तुम्हारे रेवेन्यू के सोर्सेस इसके बाद आते बेटा तुम्हारे कैपिटल रेसेप्ट के कौन से कैपिटल रिसेप्ट यानी ऐसा पैसा जो कि पैसा मिलेगा तो सही पर साथ में टेंशन देगा तो टुकड़ा स्ट्रेटेजी लिख लेना टुकड़ा स्ट्रेटेजी लिख लेना भाई लिख लेना सारे पैसा प्लस टेंशन दैट इज वॉट कॉल कैपिटल मैंने कैपिटल रिशिफ्ट कई सारे नाम बता दिए ठीक है ना कैपिटल रिशिफ के कई सारे नाम बता दिए टुकड़ा प्लस टेंशन टुकड़ा प्लस टेंशन का मतलब कि आपको पैसा तो मिल रहा है पर उसके साथ टेंशन बढ़ रही है टेंशन का मतलब क्या है इधर इट क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी और रिड्यूस योर एसेट या तो आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है इस पैसे के लिए या फिर आप कहीं से उधार ले रहे हो इन दोनों चीजों के अंदर ये यहां पर आता है फोर फीचर बेटा गवर्नमेंट के भी तो शेयर होते हैं गवर्नमेंट की भी तो कंपनीज हैं उनके भी तो शेयर होते हैं वो भी यहां पर काउंट होंगे ठीक है ना आगे देखें ओके okay, तो आगे प्रोसीड देखो तो कैपिटल के अंदर जो चीज आपकी लाइबिलिटी बनाए या फिर एसेट कम करे आपकी मतलब सरकार की ठीक है पर्सनल मत मतलब ले जाना इसको आगे देखो तो ऐसे कुछ ऑप्शन हम बात कर लेते हैं कैसे होता है पहला ऑप्शन इसके अंदर आता है बेटा बोरोइंग पहला ऑप्शन क्या आता है बोरोइंग कोई बताएगा बेटा बोरोइंग का मतलब क्या होता है एनी वन बोरइंग का मतलब सबको पता है ना बोरोइंग का मतलब क्या होता है लोन लेना अच्छा लोन लेने से आपके पास पैसा आता है हाँ टेंशन आती है हा क्योंकि वो लोन चुकाना भी है तो इट कंटेन्स पैसा प्लस टेंशन दैट इज वाई इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट क्या है बेटा ये कैपिटल रिसिप्ट अब लोन कहीं से भी लिया जा सकता है देर आर मेनी सोर्सेज फॉर टेकिंग लोन देर आर मेनी सोर्सेस ठीक है आरबीआई से ले लिया ओपन मार्केट में पब्लिक ही सिक्योरिटी से उठा लिया बाहर की से उठा लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक से उठा लिया समझ में आ रहा है तो ये बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से आप लोन मार्केट में उठा सकते हैं अब ये हम मतलब मैंने बोला आप उठा सकते हैं आप मतलब कौन है यहां पर हाँ जी आप मतलब कौन है बताना जरा आप मतलब कौन है पूरी गंगा जमुना सरस्वती हो गई राम जी का नाम पूछ रहा हूं आप कौन है यहां पर आपका मतलब है सरकार यहां पर आपका मतलब है सरकार समझ में आ गया ना क्लियर है ना सबको बेटा आपका मतलब यहां पर सरकार है कि सरकार लोन उठा सकती है क्योंकि बजट है ठीक है ना पर्सनल लोन यहां पर नहीं कंसिडर किए जाएंगे क्लियर हो गया आगे देखो तो ये तो एक सोर्स हो गया कि सरकार मोटा पैसा कहां से कमाती है दूसरा सरकार का मोटा पैसा आता है रिकवरी ऑफ लोन कि सरकार ने किसी को दिया था लोन क्या दिया था बेटा लोन दिया था सरकार ने बड़ा बड़ा लाइक करो पहले तो सारे के सारे 900 लाइक हो चुके एक हजार करना है अपने को हाँ जी सरकार ने किसी को क्या दिया था लोन दिया था क्या दिया था लोन दिया था अब वो लोन वापिस आ गया लोन का पैसा वापिस आ गया तो जब लोन का पैसा वापिस आता है देखो यहां लिख दू मैं लिख देते हैं अपन बेटर रहेगा ठीक है टुकड़ा स्ट्रेटेजी कम गाइज वन मोर टाइम लोन का पैसा रिटर्न लोन का पैसा रिटर्न हो गया तो जब सरकार का लोन का पैसा रिटर्न हो जाता है तो बेसिकली सरकार के पास पैसा आ रहा है अच्छी बात है टेंशन हो गई टेंशन होने क्यों है भाई टेंशन टेंशन इसलिए हो गई कि अब वो लोन का ब्याज कौन ही मिलेगा लोन का पैसा चुका दे तो ब्याज किस बात का तो सरकार को क्या हो गई टेंशन हो गई तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ आपका लोन का पैसा रिटर्न जब भी होता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ट्रांसफर होता है किसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट क्लियर है बेटा आसान है इजी है ना लैंग्वेज पढ़ लेना किसी को पढ़नी हो तो हमारी पुस्तक की है हो जाएगा काम आगे समझो आगे अगर अपन बात करते हैं अदर रिसिप्ट इसके अलावा सरकार का कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट होती है आगे समझो क्या हो रहा है भाई छे छे छेछे क्या हो रहा है भाई क्या हो गया आ जाओ हाँ यहाँ सारी तुम पूरे कह रहा हूँ ना थोड़े दिन थोड़े दिन और रुक जाओ चार छह लाइव क्लास के बाद तो तुम सारे काम यहीं करोगे मिर्जापुर भी यहीं देख रहे हो तुम बैठ के आ जाओ इसके अलावा सरकार को कैसे कैपिटल मिलती है सरकार क्या कर देती है डिस इन्वेस्टमेंट क्या कोई समझ में आया किसी को क्या होता है बेटा डिस इन्वेस्टमेंट बताना जरा क्या होता है बेटा डिस इन्वेस्टमेंट एवरी वन क्या होता है डिस इन्वेस्टमेंट एवरी वन शाहबाज बहुत बढ़िया डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है जब आप अपनी कंपनी में से पैसा निकाल रहे हो सुनना दो बात बोली अपनी कंपनी एपीएनआई अपनी कंपनी के शेयर बेचना लिख लो भाई इसको जब सरकार खुद की कंपनी के शेयर बेच देती है तो उसको हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट खुद की कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा कि सरकार ने खुद के शेयर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट के पैसे की जरूरत है अभी हमें क्या जरूरत है सिर्फ पैसे की जरूरत है तो उनको बेच दिया उससे जो पैसा आया उससे खुश हो गए तो सरकार को जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी लगती है जो कि लॉस मेकिंग है जिससे रिटर्न नहीं पाया जा सकता उसको वो क्या कर देती है बेच देती है क्लियर हो गया अब यहां जरूरी नहीं है किसी एक को बेचेगी मार्केट में शेयर जो है निकाल देती है अब जिसके बाद मेजोरिटी होल्डिंग आएगी वो राजा बन जाएगा आगे समझो क्लियर है आसान है ना इसके अलावा सरकार की स्मॉल सेविंग जो सरकार फंड रेस करती है जनरल पब्लिक से आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस का फंड हो जाता है ठीक है ये फलाना दो तो सौ रुपए का फंड आप जमा कराइए इससे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा तो वो आपकी स्मॉल सेविंग के अंदर आ जाते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस में आप पैसा डिपोजिट कराते हो तो आपको एक वो मिलता है ना कागजात ठीक है कि आपने सरकार की फलाना स्कीम में जो है पैसे लगाए एक रुपए रोज का एक रुपया रोज का लगाते हैं सरकार की स्कीम में ठीक है उससे हमें बेनिफिट मिल जाते हैं तो वो सरकार का स्मॉल सेविंग है कैपिटल क्योंकि वो पैसा सरकार को वापस चुकाना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि रख लेगी सरकार सरकार को पैसा चुकाना पड़ेगा क्लियर हो गया आसान है प्लीज आंसर सम सच ऑर्गेनाइजेशन बेटा सरकार के जितने भी है, आप गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं वो सारी है सरकार के खर्चों के बारे में तो वेन वी टॉक अबाउट द खर्चा ऑफ सरकार तो सरकार के खर्चे भी दो प्रकार के होते हैं कौन कौन से एक होता है रोज का खर्चा और एक होता है कौन सा अभी बताया था मोटा खर्चा एक होता है रोज का खर्चा और एक होता है मोटा खर्चा या कभी कभी का खर्चा तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोज का खर्चा कौन सा होता है उसके बाद बात करेंगे सरकार का मोटा खर्चा कौन सा होता है कमोन एवरी वन छत्तीस लाइक और बाकी है हजार हो जाएंगे चलो शाबाश से लाइक करो फटाफट से सारे के सारे हजार हो जाएंगे अभी फटाफट चलो आगे समझो तो हम बात करते हैं सरकार का रोज का खर्चा कौन सा होता है और सरकार का मोटा खर्चा कौन सा होता है रोज के खर्चे का मतलब है इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एन एसेट नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन लाइबिलिटी अब जब तक हम पा रहे थे तो लाइबिलिटी बना रहे थे अब हम दे रहे हैं यानी खर्चा कर रहे हैं तो क्या होगा यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे कम हो जानी चाहिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा भी कर दिया और कोई टेंशन कम भी नहीं हुई खर्चा भी हो गया और टेंशन भी कम नहीं हुई उसको हम बेसिकली बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल देख लो आप पेमेंट ऑफ सैलरी पेंशन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एटसेट्रा एक्सेक्ट्राइन एटसेट्रा ये सारे खर्चे वो है जो कि सरकार कर देती है पर उससे सरकार को ठेंगा तक नहीं मिलता है मतलब सरकार की कोई भी टेंशन यहां पर कम नहीं होती है क्लियर है आसान है एवरी बोलो फटाफट हाँ बेटा हो गए हो गए हो गए शाबाश ठीक है आगे समझो हाँ आप सभी के डाउट लेंगे क्लास एंड पढ़ाने के बाद लाउट हाँ एक हजार हो गए बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच गाइस हाँ जी आ जाओ आगे अगर, अगर अपन बात करें सरकार के एक्सपेंडिचर के बारे में तो सरकार का दूसरा एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो करने के बाद सरकार की टेंशन समाप्त हो जाती है जो करने के बाद सरकार की टेंशन खत्म हो जाती है बेटा उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच आईदर क्रिएट्स एन एसेट खर्चा किया तो एसेट बना समझ रहे हो दस लाख रुपए का खर्चा किया सेटअप बना तो ये हो गया एसेट कैपिटल खर्चा हो गया क्यों इससे कुछ प्रॉपर्टी तैयार हो गई मेरी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा कौन सा खर्चा वो वाला खर्चा जिससे सरकार का या तो बन रहा है एसेट या फिर कोई टेंशन हल्की हो रही है या तो प्रॉपर्टी तैयार हो रही है खर्चा करने से या फिर कोई टेंशन हल्की हो रही है अब टेंशन हल्की कैसे हो सकती है कि आपने पैसा जिसको देना था उसको पैसा दे दिया वापस सुनो क्या आपको जिसको पैसा देना था उसको पैसा दे दिया इसके अंदर आगे देखो आखिरी पॉइंट रीपेमेंट ऑफ बोराइंग सरकार ने जिससे लोन लिया था उसको चुका दिया काम खत्म हो गया अब सरकार को ब्याज नहीं देना है गेल वहीं पे समाप्त आपका हो गया समझ में आ गया एवरी वन सेवरीबडी क्लियर आसान है बोलो हाँ बता दो आप कितना कमाते हो बेटा मैं तेरे को एक पैसा नहीं देने वाला जितना मैं कमाता हूं उसमें से तो फिर तू क्यों सोच रहा है <laughs> तू तो अपनी कमाई का सोच ठीक है आ जाओ तो मैं कितना कमाता हूं छोड़ो सैनिटाइजर यूज करो और खुश रहो हाँ जी तो आगे अगर, अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कुछ और एग्जांपल देखो एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स फ्लाईओवर सरकार ने बिल्डिंग बनाई रोड बनाए फ्लाईओवर बनाए प्रॉपर्टी सरकार की जो है तैयार हो गई है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया बेटा हाँ जी क्लियर हो गया आसान है बेटा सबको बोलू हाँ ना कमोन अभिमान कमोन फास्टा से हो गया हाँ शाबाश बहुत बढ़िया वरुण सैनी ताली बजाओ बेटा वरुण सैनी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे सारे के सारे वरुण सैनी के लिए जोरदार तालियां बजाओ सारे के सारे जोरदार तालियां बजाओ वरुण सैनी के लिए बहुत अच्छा काम किया बेटा यहाँ पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई की जगह बहुत शानदार काम कर रहा है बहुत बढ़िया फीचर है तेरा बहुत शानदार बेटा बहुत बढ़िया ताली बजाओ वरुण सैनी के लिए सारे ठीक है तो अब से कमेंट के अंदर जो भी समझदारी करेगा उसको नाम लेके उसकी तालियां मजाई जाएंगी ठीक है और यह बताया जाएगा कि खराब हो गया मामला चलो आ जाओ इधर ठीक है अब सोच लो तुम दस हजार बच्चों के बीच में बिजती हो जाएगी क्या मतलब रहेगा वो

पढ़ लो चाबाश और हो जाओ शुरू हमने आज जो पढ़ा उसके टुकड़ा नोट यहां क्रिएट करने जा रहे हैं छोटी सी छह लाइन के अंदर खत्म गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट ठीक है पास्ट ठीक है थोड़ा सा इसको वापस लिखते ठीक है ना ये थोड़ा खराब हो जाए ऐसे लिखते हैं इसको पूरा शॉर्ट के अंदर ठीक है ना देखो गवर्नमेंट बजट प्रीवियस ईयर करंट ईयर कमिंग ईयर ठीक है तीन चीजें इसके अंदर होती हैं दो प्रकार की चीजें यहां आती हैं एक है रिसिप्ट और एक है तुम्हारा एक्सपेंडिचर रिसिप्ट का मतलब मिला एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा किया ठीक है ना खर्चा किया रिसिप्ट में दो प्रकार की रिसिप्ट आएंगी एक होती है रेवेन्यू और एक होती तुम्हारी कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट।, रिसिप्ट का मतलब है रोज का पैसा रोज की कमाई रोज की कमाई और कैपिटल का मतलब है कभी कभी की कमाई ठीक है रेवेन्यू के अंदर कौन कौन सी आती हैं टैक्स नॉन टैक्स ठीक है कैपिटल में तो अपन ने तीन देख ली थी बोरइंग रिकवरी ऑफ लोन लिखते जाना है इसको ठीक है और अदर बोरइंग का सबको पता पता है लोन रिकवरी ऑफ लोन का मतलब ठीक है बोराइंग करी और ठीक है ये सारा काम हो गया तुम्हारा इसके अंदर आगे समझो हाँ जी इसके बाद तुम्हारा खर्चा खर्चे दो ही प्रकार के होते हैं अपन ने वही देख लिया एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक हो गया तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या आ गया रोज खर्चा रोज का खर्चा एग्जाम्पल तो इसके अंदर लिख लेना सैलरी कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मोटा खर्चा कभी 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 ठीक है इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर तुम लिख सकते हो रीपेमेंट ऑफ लोन रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया और और बहुत सारे नाम है तुम्हारे क्या क्या नाम हो सकते हैं ठीक है बिल्डिंग बनाना रोड बनाना एटसेट्रा ये सारी चीजें अपन ने आज पढ़ी हैं तो अपन ने क्या करा छोटे प्रकार से इसको यहाँ पर लिख दिया क्लियर हो गया क्लियर है बेटा शेयर खरीदना क्या होता है शेयर क्यों खरीदेगा तू मैं तो कह रहा हूँ तेरी खुद की बात नहीं कर रहा सरकार की बात कर रहा है ठीक है ना क्लियर है एवरीवन हाँ जी तो चलो भाई लोगों अब हम बढ़ते हैं आगे प्रोसीड करते हैं कर पढ़ाएंगे अन अकेडमी पहले जब मैं पढ़ा रहा हूं उसमें दिक्कत है अन अकेडमी आएंगे बेटा पांच सात दिन में और दस दिन में आ जाएंगे ठीक है चलो सो भाई और बहनों आप सभी की कक्षा को यही करते हैं समाप्ति आप सभी से मिलकर लगा बहुत बढ़िया और आए बहुत ज्यादा मजे ठीक है आपसे मिलेंगे भाई लोगों साढ़े छह बजे लिख रहा हूं टाइम मिल लेना सारे के सारे जूते खाओगे नहीं मिले तो सिक्स थर्टी ऑन अकाउंट्स अड्डा सिक्स थर्टी ऑन अकाउंट्स अड्डा अकाउंट अड्डा में मिलेंगे शाम को साढ़े छह बजे क्या पढ़ने के लिए बेटा क्या पढ़ेंगे अपन अकाउंट अड्डा पे अपन अकाउंट्स अड्डा पे पढ़ेंगे कि रिवेलुएशन अकाउंट क्या होता है कैसे बनता है और करेंगे रिवेल्युएशन के कुछ गिने चुने क्वेश्चन समझ में आ गया बोलो हाँ एवरी चलो तो थैंक यू सो मच कीप ऑन वॉचिंग एन टिल देन धन्यवाद आप सभी का आने के लिए और आपसे मिलेंगे वापस से अगली कक्षा के अंदर जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें अपने सभी दोस्तों को यहाँ पर लेकर नोट्स लिखवा दिए और कितने भेजू को नोट्स लिखवा दिए मिटा रहा हूं मैं ठीक है अपने सभी मित्रों को लेकर आए कि यहां पर फ्री के अंदर आपकी कक्षा जो है रोज चलती रहेगी और आती रहेगी ठीक है अगर इफ यू वॉन्ट टू टेक द टेकडमी सब्सक्रिप्शन यू कैन टू टेक द सब्सक्रिप्शन यहां कुछ है मिल जाते हैं ठीक है लाइव डाउट क्लियरिंग टेस्ट सीरीज लाइव पोल इंट्रैक्ट विद एजुकेटर सारी चीजें आपको सब्सक्रिप्शन पे मिलती है जब वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे कुछ स्टेप्स दे रखें किस प्रकार से अपन अकेडमी कर सकते हैं और उसके बाद आराम से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू टेक फॉर फर्दर आप भविष्य में कभी सरकारी नौकरी में जाओ गवर्नमेंट एग्जाम में जाओ बैंक एग्जाम में जाओ यूपीएससी में जाओ एमपीएससी मतलब किसी में भी चले जाओ आप ये वाला कोड लगा देंगे आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा मुझे पता लग जाएगा हाँ भाई अपना बच्चा वहां तक पहुंच गया है ठीक है अभी के लिए आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री है यहां पर यूट्यूब पर आपको सारी क्लासे दिखती रहेंगी तो चलिए भाई लोगों आपसे फिर मिलते लाइक करते कमेंट करते चैनल को सब्सक्राइब कर दे घंटे को बजा दे ताकि इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे क्योंकि यहां पर अब लगातार वीडियोस का भंडारा शुरू हो चुका है और यह भंडारा तब थमेगा जब आपकी बारहवीं समाप्त तो होगी उससे पहले भंडारा नहीं थमेगा तो चलिए भाई लोगों चाहिए मुझे रिटेल चाहिए दो मेंबर मेरी तरफ से तो इतनी बात आई चल ठीक है यू कैन यूज द कोड गौरव जैन गेट 10% ऑफ ऑन वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू विल टेक ऑन एन अकेडमी बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड किस किस का डाउट है बता दो भाई बिजनेस स्टडीज का डाउट मैंने वैसे क्लियर कर दिया है वापस क्लियर कर रहा हूं कि माइंड ऑन बिजनेस को हमने भले ही अन से ये टॉपर्स के नाम से उसको कन्वर्ट कर दिया है पर अब इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स पे ही आप लोगों की बिजनेस स्टडीज भी कंटिन्यू कराई जाएगी जहां तक वहां हो गई है उसके आगे से कंटिन्यू कराई जाएगी ऑन इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स ओनली वहीं पे continue, यहीं पे कंटिन्यू कंटिन्यू यहीं आप लोगों की होगी मिलते हैं आप सभी साढ़े छह बजे यानी कि पौन घंटे बाद खाना पीना खा लो पानी वानी पी लो और अगर कहीं हाथ हाथ लगाए तो सैनिटाइज करवा लो ठीक है सैनिटाइज कर लो ठीक है कोरोना चल रहा है सो आप सैनिटाइज करते रहें खुद को भी और खुद के फोनों को भी ठीक है आपसे कल फिर मिलेंगे बाई लोग होटल कीपर वाचिंग गुड नाइट बाय बाय नमस्कार चलिए पधारी थैंक यू सो मच एवरीवन इनकम बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ तेरे को इनकम पहले मेरी इनकम से तेरे को कोई इनकम मिलेगी दस परसेंट ले रहा है क्या तू हैं दस परसेंट ले रहा है तू चलो आईपी बैठ जल्दी सर जल्दी स्टार्ट करेंगे चलो कीपर वॉचिंग